श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आज भगवान श्री राम अपने घर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। पूरा विश्व राम में है। राम शब्द बहुत व्यापक है और राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ऋषि मुनि महर्षि सब ने राम के लिए लिखा है और लिखने के बाद सब ने ये कहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिख पाया। तो राम शब्द इतना व्यापक है जिसके बारे में जो जितना कह सकता है उतना, जैसे समुद्र में बूंद के बराबर है। आज भगवान श्री राम अपने घर में पधार रहे हैं, उसी उपलक्ष में मैंने भी भगवान राम के बारे में सोचा कि दो शब्द बोलूं। कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अघिनाशी तब ही। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मेरे सम्मुख कोई अगर जीव खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ करके, तो कोटि जन्मों के जो उसके पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर कहा है कि राम राम कही जे जमहाई, ते नहीं न पाप पुंज समहाई। भगवान के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राम कह करके जो जमाही ले लेते हैं उनके पास पाप जो है उनके नष्ट हो जाते हैं। राम राम कहि जे जमहाई, ते नहीं न पाप पुंज समाई। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, बहुत सारी ऐसी चौपाई हैं जिनको पढ़ करके और सुन करके समझ करके लगता है कि राम केवल और केवल कल्याण के कारक हैं। श्रुतियों ने अलग कहा है, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहति वन्य पावकः। राम शब्द ऐसा है जैसे अग्नि का स्वभाव होता है। अब इसमें प्रश्न उठ जाता है कि अग्नि तो हमेशा जलाने का काम करती है, लेकिन भगवान का जो नाम है वो इच्छा से लेने पर, अनिच्छा से लेने पर, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहति वन्य पावकः। जैसे अग्नि इच्छा से छुई जाए या अनिच्छा से छुई जाए, उसका स्वभाव क्या है? जलाने का। ऐसे ही भगवान का नाम जो भी ले लेता है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दिशहु। भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, आलस में, कैसी भी अगर कोई राम राम जपता है तो दशाओं दिशाओं से उसका मंगल शुरू हो जाता है, दशाओं दिशाओं से उसको मंगल की अनुभूति होने लगती है। इसलिए राम के बारे में जितना सोचा जाए कहा जाए उतना ही कम है। संतों ने तो एक भजन गाया है, वो भजन क्या है कि भगवान के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, त्याग है। कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, सीताराम 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 कहिए। राम काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए, सीताराम 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 कहिए। इसमें जो संतोष है, जो भाव है, वो है किसी भी स्थिति में रहें हमें भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, चाहे वो हमें महलों में रखे या झोंपड़ी में रखे। संत कहते हैं कि जो लौकिक कामना है उनको त्याग करके और भगवान का जो नाम रूपी राम रस है उसको खाना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको पाना चाहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज श्री राम के विग्रह का स्थापना दिवस है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय जय श्री सीताराम।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।